आज पंचायत राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी चाकणजवळच्या मेदनकरवाडी ग्रामपंचायतच्या सरपंच प्रियंका मेदनकर यांच्यासोबत बातचीत करत त्यांनी गावात कोरोना संदर्भात कसं काम सुरू आहे याचा आढावा घेतला. नमस्कार. महाराष्ट्र के पुणे की मेदनकरवाड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान बहन प्रियंका हमारे साथ है. प्रियंका जी नमस्कार. नमस्कार सर. बताइए प्रियंका जी. हमने कोरोना का जब से आपने 25 तारीख को लॉकडाउन किया उसके बाद 26 तारीख को ही हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की से पूरा गांव सैनिटाइज किया. उसके बाद हमने सैनिटाइजर टनल दो जगहों पे जहाँ पे ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है वहाँ पे सैनिटाइजर टनल बिठाए. टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है. और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूँ कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं. उन वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है. हाँ कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप. इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने जो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी. इस तरह आप पूरे देश पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना के मामले कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए. तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी. जरूर बताइए. कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है. सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर. मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं मुझे मेहनत पर भरोसा है. एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर. वाह. चलिए आपके शब्दों में विश्वास है वो देश की भावना का प्रतिबिंब है. मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं.